शाम के 4 बजने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। अब से कुछ ही देर में दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट इस मायने में खास है क्योंकि इसे जनता से पूछकर बनाया गया है, लिहाजा इसे स्वराज बजट नाम दिया गया है। कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ने बजट को अंतिम रूप दिया। सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही साथ वित्त मंत्री भी हैं, लिहाजा सिसोदिया ही बजट पेश करेंगे। केजरीवाल सरकार का यह बजट इस मायने में खास है क्योंकि जिन 70 वायदों के आधार पर आम आदमी पार्टी 67 विधायकों के साथ सरकार में आई, अब उन वादों को पूरा करने का समय है। अपने 70 सूत्री एजेंडे में आम आदमी पार्टी ने 500 नए स्कूल, 20 कॉलेज, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल्स, दिल्ली वालों को मुफ्त में वाईफाई सुविधा मुहैया कराने का भी वादा किया था, दिल्ली का अपना पावर स्टेशन बनाने और 8 लाख रोजगार जैसे वादे किए गए थे। इस लिहाज से यह उम्मीद है कि बजट में ठेका कर्मचारियों और गेस्ट टीचर्स पर अहम फैसला हो सकता है। निजी स्कूलों पर नकेल लगाने के लिए कुछ प्रावधान हो सकते हैं। व्यापारियों को वैट पर कुछ और बड़ी राहत भी मिल सकती है। नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाने की घोषणाओं की भी उम्मीद है। नई बसों की खरीद को लेकर कुछ प्रावधान हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और भी ज्यादा बसों का इजाफा किया जाए, इसका टारगेट भी इस बजट में रखा जा सकता है। मुंबई में 2 साल के अंदर 864 नई मुंबई में 2 साल हम मुंबई से भी तुलना करेंगे दिल्ली की, लेकिन दिल्ली की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है यह भी बताना बेहद जरूरी है। बजट से ठीक एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण का खाका खींचा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए यह बताया गया था कि पैसे तो हैं लेकिन दिल्ली में पिछली सरकारों के पास नीयत नहीं थी। ये कहना है अरविंद केजरीवाल और उनके उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया का। अरविंद केजरीवाल ने साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए यह भी बताया कि उनकी सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, जो सरकारी घाटा है, वो कम होगा। नई बसों की खरीद को लेकर के कुछ प्रोविजंस किए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के बजट में ये ऐतिहासिक बजट है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जनता से पूछ करके ये बजट तैयार किया गया है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आम आदमी पार्टी का बजट किस हद तक आम आदमी के लिए होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि बिजली और पानी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने सरकार के शुरुआती दिनों में ही काफी कुछ किया है, लेकिन अब वक्त यह आ गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में चीजों में सुधार किया जाए। और इस लिहाज से यह बजट कई मायने में खास है। उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया जी आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। सुझाव दिए थे बतौर आम आदमी, सभी ने दिए थे, मैं भी आम आदमी हूं, सभी ने सुझाव दिए। बिल्कुल उम्मीदें होनी भी चाहिए। जिस तरह लोगों ने पूरी उम्मीद जता के वोट दिया है, उसी तरह से लोगों की मेहनत की कमाई के पैसे को हम बहुत ईमानदारी से और बहुत सूझबूझ के साथ इस तरह खर्च करना चाहते हैं ताकि खुशहाली आए लोगों के जीवन में, क्योंकि लोगों के जीवन में खुशहाली के बिना, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुजुर्गों की स्थिति है, वेलफेयर है, महिलाओं की स्थिति है, इन सबको खुशहाल किए बिना आप शहर का विकास नहीं कर सकते। शहर का विकास का मतलब सिर्फ कुछ कंक्रीट खड़ा करना नहीं है, लोगों की जिंदगी में कुछ ठोस हो,